दोस्तों, त्रिभुज यानी ट्रायंगल्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने भुजा कसौटी यानी SSS सर्वांग समता नियम पर चर्चा की। आज हम उसी से संबंधित कुछ प्रश्न हल करेंगे। चलिए शुरुआत एक प्रश्न से करते हैं। त्रिभुज DEF में बिंदु C भुजा DE का मध्य बिंदु है और भुजा EF बराबर है भुजा FD के, तो क्या त्रिभुज CEF और त्रिभुज CDF सर्वांग सम त्रिभुज हैं? दोस्तों, क्या आकृति को देखकर आप इस त्रिभुज का प्रकार बता सकते हैं? आप जवाब सोचने के लिए वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं, इसलिए यह एक समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आकृति को ध्यान से देखिए। त्रिभुज DEF में बिंदु C भुजा DE का मध्य बिंदु है, इसलिए भुजा DC और भुजा EC बराबर होंगे। अब त्रिभुज CEF और त्रिभुज CDF को देखिए। हमें दिया है कि भुजा EF बराबर है भुजा DF के और भुजा CF उभयनिष्ठ भुजा है। समीकरण 1, 2 और 3 को देखते हुए हम कह सकते हैं कि यह दोनों त्रिभुज भुजा कसौटी यानी SSS सर्वांग समता नियम के अनुसार सर्वांग सम है, क्योंकि इन दोनों त्रिभुजों की तीनों भुजाएं बराबर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दी गई आकृति में PQRS और PMRN समांतर चतुर्भुज हैं। बिंदु M और बिंदु N क्रमशः भुजा PQ और SR के मध्य बिंदु हैं। दर्शाइए कि त्रिभुज PSN और त्रिभुज RQM सर्वांग सम है। दोस्तों, हमें दिया हुआ है कि PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए इनकी सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी, यानी भुजा PQ और SR बराबर हैं और भुजा PS QR भी बराबर है। बिंदु M PQ का मध्य बिंदु है, इसलिए हम PQ को इस प्रकार लिख सकते हैं। बिंदु N भुजा SR का मध्य बिंदु है, इसलिए SR को भी हम इस प्रकार लिख सकते हैं। हमने देखा भुजा PQ भुजा SR के बराबर है, इसलिए यह दोनों भी एक दूसरे के बराबर होंगे। अब हमें मिला QM बराबर है SN के और PMRN भी समांतर चतुर्भुज है, इसलिए इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी, यानी भुजा PM बराबर है भुजा NR के और भुजा PN MR के। दोस्तों ध्यान दीजिए, अब हम यह कह सकते हैं कि त्रिभुज PSN और त्रिभुज RQM में यह तीनों भुजाएं बराबर हैं। भुजा PS भुजा RQ के बराबर है, भुजा SN भुजा QM के बराबर है और भुजा PN भुजा RM के बराबर है, इसलिए यह दोनों त्रिभुज SSS सर्वांग समता नियम के अनुसार सर्वांग सम है। दोस्तों, यदि हम PMRN में बिंदु M और बिंदु N को मिलाकर विकर्ण MN बनाएं, तो क्या बनने वाले त्रिभुज PMN और NRM भी सर्वांग सम होंगे? वीडियो पॉज कर आप इसकी जांच स्वयं करें और निष्कर्ष तक पहुंचें। इस सत्र में बस इतना ही। आज हमने भुजा कसौटी यानी SSS सर्वांग समता नियम से संबंधित कुछ प्रश्न हल किए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।